तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। मैं रोहित आप सभी के साथ। और देखिए, अब मैंने आप सभी के सामने एक जगह निफ्टी का चार्ट ओपन किया है। सोमवार को बाजार कैसा ओपन हो सकता है, निफ्टी में आपको कैसे काम करना चाहिए, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा एक जगह कि मार्केट में देखिये, आप सभी को याद होगा कि 19 तारीख को देखिये काफी बड़ा देखिये इस जगह देखिये एक गिरावट आपको देखने को मिली थी। और उस गिरावट के बाद भी ऐसा नहीं है कि गिरावट आपका थमा हो, उस गिरावट के बाद देखिए आपको और ज्यादा गिरावट आपको देखने को मिली थी, जो कि नीचे की साइड देखिए इस लेवल तक, जो कि मैंने आपको बता के रखा था कि 15,800 का एक बढ़िया सपोर्ट हमको इस जगह देखने को मिल जाता है 15,800 के आसपास। ठीक है, वहां से अगर आप देखोगे तो मार्केट में एक अच्छा खासा देखिए गैप के साथ ओपन हुआ इस जगह, देखिए पूरा गैप के साथ ओपन हुआ। और ऐसा नहीं है कि गैप के साथ ओपन होने के बाद इसमें तेजी नहीं आया, मार्केट देखिए अपने डे हाई पे, देखिए मैंने आपसे क्या बोला है कि मार्केट अपने डे हाई पे देखिए इस जगह क्लोजिंग देने में कामयाब रहा। तो मार्केट की देखिए यही खूबसूरती आपको दिखाई देती है कि मार्केट जब नीचे की साइड जाता है तो सभी लोग इस जगह कहते हैं कि मार्केट में अब पूरी गिरावट आ चुकी है और मार्केट नीचे की साइड ही जाएगा। लेकिन आप सभी को याद होगा कि आपने मेरा वीडियो बिल्कुल पूरा देखा होगा तो आपको पता होगा कि ये पैटर्न 13 तारीख से कंटिन्यू चलता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिये 13 तारीख को भी इसने 15,800 के आसपास का सपोर्ट लिया था, आप देखोगे तो 16 तारीख को भी उसी जगह सपोर्ट लिया था, 17 तारीख को भी आप उसी जगह सपोर्ट लेते हुए दिखाई दिए, और अगर मैं बात करूं तो 19 तारीख को भी आपने वहीं पे सपोर्ट लिया, और वहां से अगर आपने देखा तो एक अच्छी जर्नी आपको देखने को मिली। अब देखिए इसने जो क्लोजिंग दिया है वो अगर हम क्लोजिंग की बात करें तो यहां पे देखिए मैं लिखना चाहूंगा इसकी क्लोजिंग 16,278 के आसपास कि इसने क्लोजिंग दी है। अब सवाल आता है कि इसके ऊपर हमको क्या करना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए, तो उसके लिए वीडियो बिल्कुल पूरा देखते रहिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और प्लस टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एक चीज तो बिल्कुल क्लियर इस जगह हमको दिखाई दे जाती है कि मार्केट एक तेजी के मार्केट में देखिए कहीं ना कहीं इस जगह कन्वर्ट होने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखिए कुछ लेवल मैं आपको बताना चाहूंगा जो कि आपके काम काफी आने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा है कि मार्केट देखिए इस जगह देखिए जे वाला पॉइंट आपको समझना है, जे वाला जो आपका मार्केट है जो एक रेजिस्टेंट का जोन आपको दिखाई देता है, यानी अगर हम बात करें तो अभी भी मार्केट में देखिए 16,500 का एक रेजिस्टेंट का जोन है। लेकिन अगर हम बात करें इस जगह देखिए क्लोजिंग की तो इसने जो क्लोजिंग दिया है वो 16,266 पे दिया है, यानी अभी भी अगर हम बात करें तो मार्केट में कहीं ना कहीं इस जगह देखिए 200 से लेके आपको 250 पॉइंटों की तेजी देखने को मिल सकती है। लेकिन कब देखने को मिलती है, जब मार्केट इसके ऊपर यानी जे वाला जो प्राइस है इसके ऊपर जाता है, अपने हाई के ऊपर जाता है, जब आपको एक तेजी देखने को मिल सकती है। तो पहला कॉल हम इस जगह समझते हैं कि मार्केट का देखिए जे वाला जो आपको हाई दिखाई दे रहा है इसके हाई के ऊपर अगर जब मार्केट निकलता है तो हम कहीं ना कहीं इसमें बाइंग करने की कोशिश कर सकते हैं। अब इसका हाई क्या है, तो हाई देखिए मैं आपको यहां पे दिखाना चाहूंगा, ये इसका हाई आपको दिखाई दे रहा है, देखिए ये आपको इस जगह हाई देखने को मिल जाता है। तो चलिए हम बात करते हैं, तो हम पहला देखिए सीई कैसे बाइंग कर सकते हैं। पहला सीई हम इस तरीके से बाइंग करेंगे कि मार्केट का यानी निफ्टी का जो हाई है, निफ्टी का हाई इस जगह क्या दिखाई दे जाता है, इस जगह 16,283 के आसपास, ठीक है, जो निफ्टी का हाई है। अगर ये अपने हाई के ऊपर निकलता है, अपने हाई के ऊपर निकलता है तो हम इसमें बाइंग कर सकते हैं, यानी हम सीई बाइंग कर सकते हैं। फिर हमारा टारगेट क्या होगा, तो पहला टारगेट देखिए मैं इस जगह लिखना चाहूँगा, पहला टारगेट तो आपका बिल्कुल बगल में ही है जो कि अगर मैं बात करूँ 16,320 के आसपास का। दूसरे टारगेट की बात करें तो दूसरा टारगेट आपको 16,400 का देखने को मिलता है, और लास्ट टारगेट की अगर हम बात करें तो लास्ट टारगेट आपको इस जगह 16,500 के समथिंग देखने को मिलता है। ये आपको टारगेट जब भी देखने को मिलेगा जब मार्केट अपने हाई के ऊपर निकल जाएगा, और यहाँ पे हमको सीई बाइंग करने की कोशिश करना है। ठीक है, करना है क्या, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। मार्केट आपका ओपन हुआ है, ठीक है, अपने हाई के आसपास देखिए ये थोड़ा कंसोलिडेट हुआ, यानी अपने हाई को पार करने की कोशिश कर रहा है, और जैसे इसने पार किया तो आप देख लीजिए कि एक बढ़िया तेजी आपको देखने को मिल जाएगी, क्योंकि देखिए यहाँ पे वॉल्यूम
वॉल्यूम भी आपको काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पे वॉल्यूम अगर आप देखोगे, वॉल्यूम भी कहीं ना कहीं देखिए एक सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप एमएसडी की बात करें तो एमएसडी भी देखिए एक जगह क्रॉस ओवर होने की कोशिश कर रहा है, तो अपने हाई पे निकलता है जब भी हम इसमें बाइंग कर सकते हैं। अब चलिए देख लेते हैं कि 30 मिनट के चार्ट पे हम कैसे काम कर सकते हैं, यानी हमको पुट कहाँ पे बाइंग करना चाहिए, इसका रेजिस्टेंस कहाँ पे है। तो सही रेजिस्टेंस तो अगर मैं आपको निकाल के दिखाना चाहूँ तो सही रेजिस्टेंस आपको ऊपर के लेवल पे दिखाई देता है, जो कि मैं आपको बताना चाहूंगा। एक जगह देखिए मार्केट में अभी हो क्या रहा है, मार्केट का अगर आप पैटर्न देखोगे तो अभी मार्केट आपका एक बुलिश जोन में है। ठीक है, यहाँ पे देखिए मार्केट में बुलिश जोन क्यों है, क्योंकि मार्केट में नीचे के लेवल से एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली। ऑप्शन चेन के डेटा पे अगर हम बात करें, ऑप्शन चेन का डेटा देखिए जब ये दिखाता है कि ये अपने हाई के ऊपर निकलता है तो हम इसमें बाइंग कर सकते हैं, एक लेवल तक हम बाइंग कर सकते हैं, लेकिन ऊपर से सेलिंग भी हमको देखने को मिलेगी। बस हमको वही सेलिंग वाला पॉइंट इस जगह देखना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो मैं आपको एक जगह दिखाना चाहूंगा कि वो सेलिंग वाला पॉइंट कौन सा है। आपने देखा होगा कि मार्केट में देखिए इस जगह 16300 के ऊपर एक अच्छी तेजी के संदेश इस जगह दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मार्केट में देखिए यहाँ पे काफी लोगों ने इस जगह बाइंग करके रखा है। जैसे ही देखिए जब पूरा देखिए इसको पार करेगा मार्केट, तो एक अच्छी तेजी इसमें देखने को मिलेगी। ठीक है, रेजिस्टेंस की बात करें तो देखिए पहला रेजिस्टेंस तो मैंने आपको बता के रखा है कि 16500 का आपका पहला रेजिस्टेंस है, अगर इसको भी पार करेगा तो और बड़ी तेजी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन जो सबसे मेन रेजिस्टेंस आपको दिखाई देता है ना, वो इस जगह 16650 का, जे आपका सबसे मेन रेजिस्टेंस है, 16700 का जे आपका सबसे मेन रेजिस्टेंस है, जे आपका सबसे मेन रेजिस्टेंस है, इस जगह हम सेलिंग कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो तो लोगों ने देखिए भर भर के मार लिया है, देखिए यहाँ पे अगर आप देखो भर भर के मार लिया है, जो आपको 16300 के आसपास दिखाई दे रहा है ना, वही पोजीशन आपको इस जगह दिखाई दे रही है। यानी अगर आप देखोगे सपोर्ट कहाँ पे निकल के आता है, तो सपोर्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए एक ही सपोर्ट, जो कि मैंने काफी बार बताया कि भाई इस जगह 16100 का, देखिए जे आपका एक सपोर्ट निकल के आता है। वैसे मैं इस जगह 16000 भी बोल सकता था, लेकिन 16100 हमने 100 पॉइंटों का इस जगह कंफर्ट लेके होता है। अगर जे इसके नीचे जाता है तो कहीं ना कहीं इस जगह हमारा जो व्यू है वो बेरिश हो जाएगा, और फिर मार्केट आपका किस लेवल पे जाएगा, वही लेवल पे जाएगा जो कि आपकी शुरुआत हुई थी 1500 पे, क्योंकि यहाँ पे एक गैप है जो कि मैं अभी आपको बता दूंगा कौन सा वाला गैप है। अगर आप इस लेवल के नीचे जाते हो तो आप इस जगह 1500 तक जा सकते हो, क्योंकि गैप है, मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है, बाकी वीडियो को लाइक कीजिए और टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कि जब मार्केट एक तेजी के जोन में होता है तो हमको उस तेजी को कंटिन्यू करना चाहिए। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे देखिए एक लॉजिक मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कि बाजार को ऊपर जाना है, जो कि मैंने आपको बता दिया कि अपने हाई के ऊपर जाता है। अगर जो बाजार इस जगह से एक तेजी दिखा रहा है और तेजी दिखाने के बाद इस लेवल के आसपास आपको मिलता है, ये लेवल आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर मैं लिखना भी चाहूँगा, इस लेवल के आसपास मिलता है 16650 के आसपास, इस लेवल के आसपास आपको मिलता है, इस हाई के आसपास मिलता है, तो यहाँ पे हम क्या बाइंग कर सकते हैं, मुझे कमेंट के अंदर बताइए। मुझे ऐसा क्या लग रहा है कि मैं यहाँ पे बाइंग कर सकता हूँ, हम इस जगह बाइंग करेंगे पीई, हम पीई यानी पुट हम बाइंग करेंगे 16650 का। क्यों बाइंग करेंगे कि यहाँ पे देखिए दो चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। पहले तो आपका जो गैप है, ये गैप आपका पूरा फिल हो जाएगा, ठीक है, बाजार के अंदर। दूसरा, अगर आप देखोगे तो एक जो नीचे की साइड गैप आपका दिखाई दे रहा है, इस गैप को बाजार को फिल करने नीचे आना है, तो पहला गैप तो आपका ऊपर का फिल हो जाएगा, यानी जो आपका काम पूरा हो गया। लेकिन फिर उसके बाद मार्केट इस वाले गैप को फिर गैप नीचे फिल करने के लिए आएगा। तो सिंपल सी बात है कि अगर हमको 16650 के आसपास मिलता है, हम इस जगह पीई बाइंग करेंगे। कंडीशन हमारा एक ही है कि मार्केट ओपनिंग इस जगह दिया, लेकिन क्लोजिंग इसके ऊपर नहीं देना चाहिए, इसके ऊपर नहीं निकलना चाहिए बाजार, बस इतना सा सिंपल सी बात है। ठीक है, ये आपको समझ में आया। फिर टारगेट आपको क्या देखने को मिलेगा, अगर हम ऊपर की साइड पीई बाइंग करते हैं तो पहला टारगेट तो देखिए जो आपको देखने को मिलेगा वो इस जगह 16600 का देखने को मिलेगा। दूसरे टारगेट की बात करें तो दूसरा टारगेट आपको इस जगह 16500 का देखने को मिलेगा, और लास्ट टारगेट की बात करें तो यहाँ पर 16400 का आपको लास्ट टारगेट देखने को मिलेगा, यानी पहला, दूसरा और तीसरा टारगेट देखने को मिलेगा। मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहूँगा कि ज़्यादातर जो लोग हैं ना, वो मार्केट में क्यों लॉस कर रहे हैं,
क्योंकि वो मार्केट में सोचते हैं कि कल गैप अप होगा या गैप डाउन होगा, मुझे होल्ड करके जाना चाहिए, मैं पीई लेके जाऊंगा या मैं सीई लेके जाऊंगा, इसके वजह से उनको लॉस होता है। भाई इंटरडे में मार्केट इतना मौका देता है ना, आप पैसा संभाल नहीं सकते, लेकिन अगर आप सही ले सही जगह पर सही चीज़ को बाइंग करोगे ना, पैसा ही पैसा बनता है। लेकिन वही दिक्कत है ना कि हम लोगों की, कि हमको होल्ड करके जाना है, उसमें पैसा नहीं बनता। यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे देखिए कितने बढ़िया पैटर्न है, मार्केट नीचे आता है बाइंग करो, ऊपर जाता है सेलिंग, नीचे है बाइंग, इसके ऊपर निकलेगा तो और बाइंग, सिंपल सी बात है। अगर देखिए मान लीजिए एक चीज़ और कंडीशन आप समझिए, ठीक है, बाकी तो सब मैंने आपको समझा दिया। इस जगह आपको गैप देखने को मिला, ठीक है, मंदी का, इस जगह आपको तेजी का गैप देखने को मिला। अगर आपको फिर से मार्केट इस जगह जी आपका मंदी का गैप दिखा देता है, यानी इस लेवल तक आपको मंदी का गैप दिखा देता है, यानी देखिए यहाँ पे आपको गिरावट जो नीचे की साइड आया मार्केट, इस जगह आपको तेजी दिखाई दी जो ऊपर की साइड गया मार्केट, इस जगह अगर जो फिर से आपको नीचे की साइड दिखा देता ना इस लेवल के आसपास, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, नीचे की साइड, यानी हमको पता है ना कि ये मार्केट का नीचे एक सपोर्ट है जो कि 15,750 से लेके आपका 15,800 का, ये आपका एक सपोर्ट लेवल आपको दिखाई देता है। तो हम इस सपोर्ट लेवल पे अगर मार्केट हमको नीचे मिलता भी है तो इस सपोर्ट पे हम छोटा सा एसएल लगाकर हम इस जगह सीई बाइंग कर सकते हैं, ठीक है, हम इस जगह क्या कर सकते हैं, सीई बाइंग कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मार्केट आपका पैटर्न यही दिखा रहा है। अगर हमको इस लेवल के आसपास मिलता है 17,050 के आसपास, तो हम बिल्कुल सीई बाइंग करेंगे। फिर हमारा इस जगह टारगेट क्या होगा, तो पहला टारगेट आपको समझना है, पहला टारगेट आपको जो देखने को मिलेगा वो इस जगह देखिए मैं आपको लिखना चाहूँगा, 15,900 रुपये का आपको पहला टारगेट देखने को मिलेगा। दूसरे टारगेट की बात करें तो इस जगह देखिए 15,950 का देखने को मिलेगा, और लास्ट टारगेट की अगर हम बात करें तो 16,000 का लास्ट टारगेट आपको देखने को मिलेगा। यानी अगर हमको मार्केट नीचे की साइड मिलता भी है तो नीचे की साइड हम बाइंग करने की कोशिश कर सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, बाकी वीडियो का देखिए लाइक एम है, इस जगह आपको दिखाई देगा कि 1,000 लाइकों का है, मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग इसका पूरा करोगे। जय हिंद, वंदे मातरम।